ये है विकी रज़ाई, इसे मैं आज मशीन में धोने लगी हूँ। तो साथ में आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने ये विकी रज़ाई सिंगल कैसे धोई है। चले आए। अच्छा जी, ये जी साफ साफ पानी में पहले डाल लेंगे। इसे थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें रज़ाई ला के डालते हैं। देखें, आधी रज़ाई मैंने इसमें डाल दी है। इसे ड्रायर में डाल देंगे ताकि ये थोड़ी मजबूत रहे उसमें। ठीक है, अब ये जो आती मैंने इसमें डाली, बाकी देखिए मैंने ड्रायर में मैंने सेट कर दी है। इसके बाद मैं मशीन को चलाऊंगी। ये पहले एक साइड धोएंगे, फिर उसके बाद धुल जाएगी, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह देखें कैसे अच्छे से ये पॉलिएस्टर की सिंगल रज़ाई है। तो मैं इसे वॉशिंग मशीन में धुलाई कर रही हूँ। तो इसमें आप इस तरह कंबल की भी धुलाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये विकी रज़ाई सिंगल विकी रज़ाई की धुलाई दिखा रही हूँ। तो एक साइड मैंने इसको मशीन में डाल दी, आधी और आधी ड्रायर में डाल दी है। देखें ये आधा हिस्सा रज़ाई का जो है वो धुल गया है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी, एक हिस्सा मैं ड्रायर वाला इधर कर दूँगी, और ये जो है ना ये पॉलिएस्टर है ना, तो इसमें पानी लिया हुआ है। थोड़ा सा इसका इस तरह जोड़ के, और जो हिस्सा इसका ड्रायर में है वो मैं बाहर निकाल दूँगी, और आस्ता आस्ता ये जो धुला हुआ रज़ाई का हिस्सा है ये मैं इस तरह पानी जोड़ के, वजनी हो जाती है ये चीज़ पानी लेके, तो इसका थोड़ा दम लगाना पड़ेगा। इसको इधर इस ड्रायर में डाल देंगे, और इसमें ड्रायर हमें रखने की दूसरा हिस्सा आराम से आ जाएगा इसमें। ठीक है, आपको दिखाती हूँ, थोड़ा इसमें पानी और जाएगा इस तरह। ठीक है, आधा हिस्सा इसका ऑलरेडी गीला हो चुका है, बारी हो चुका है, अब वो इस तरफ नहीं आएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह किया है। ये देखें, जो हिस्सा मैंने इसका धोया है ना वो ड्रायर में डाल दिया, जो गंदा था वो मैंने आधा इधर तक नीचे डाल दिया। मैं थोड़ा सा इसमें पानी और डालूँगी, डाल के फिर मैं इसको चलाऊँगी। इसमें थोड़ा मैं गर्म पानी भी शामिल करूँगी, पहले ठंडा है इसमें गर्म, और अब इसको चला दूंगी। इसमें थोड़ा सर्फ भी हो जाएगा।
पानी कम हो गया था तो मशीन ने खुद ही बता दिया कि पानी कम है, तो मैंने अपनी पाइप खोल दिया। थोड़ा सा मैं इसको ऊंचा करती हूँ ताकि आपको नज़र आए। थोड़ा सा मैं इसको इस तरह ऊंचा करती हूँ, इस तरह, ठीक है। अब ये आपको सही नजर आ रहा है। इसमें मैं पानी छोड़ती हूँ, माशाल्लाह से जो हिस्सा मैंने अभी धुलाई करके निकाला है ना, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा साफ हुआ है, बिल्कुल रजाई नहीं जैसी हो गई है। तो यही तरीका कम्बल के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्बल जो है वो भी बारी होते हैं, नहीं धोने होते, तो बाद लोग तो ड्राई क्लीन करवा लेते हैं, बाद लोग जो हैं वो नहीं करवा सकते। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। तो ये जो दूसरी साइड है मैं आपको दिखाती हूँ, ये ड्राई वाली, इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी, इसमें सरफ जो है वो निकल जाएगा, इसमें थोड़ा और पानी की गुंजाइश है, पानी जाएगा, ठीक है। ये माशाल्लाह साफ़ सुथरी हो गई है, देखिए इस तरफ से पहले धोई थी, इस तरफ से अब दोबारा धोई है। अभी मैं इसका पानी निकाल दूंगी और फिर इसी में ही मैं इसको खंगालूंगी, जैसे एक्स्ट्रा पानी डाल के, ठीक है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट में। एक जगह इकट्ठा करके फिर सारा पानी डाल देंगे रजाई को, फिर मैं इसी में ही इसको ड्रेन करने के लिए छोड़ती हूँ, क्योंकि ड्राई में तो ये होती नहीं होगी तो सारा पानी जब निकल जाएगा, फिर मैं आराम से इसको फैला दूँगी। ये इनका ही आसान तरीका है, थोड़ा सा ही हमारा वक्त लगा है।